दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को दो ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से कि आप बहुत इजीली अपने लिए डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं और इन दोनों वेबसाइट का डीएपीए भी काफी अच्छा, वो भी मैं आपको यहाँ पे चेक कराने वाला हूँ। और इनमें से मैं आपको बता दूं कि एक वेबसाइट पर आपको मिलने वाली यहाँ पर प्रोफाइल बैकलिंक और सेकंड जो डू फॉलो बैकलिंक आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको कमेंट के थ्रू कि कौन सी वेबसाइट है, इनका डीएपीए कितना है और यहाँ से आपको प्रोफाइल बैकलिंक किस तरह से क्रिएट करनी है और सेकंड वेबसाइट से आपको कमेंट वाली बैकलिंक किस तरह से क्रिएट करनी है और ये डू फॉलो है या नहीं, पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहली वेबसाइट की तरफ। जो सबसे पहली वेबसाइट हमारी है उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे gta5mods.com। तो आप इसे डायरेक्ट गूगल में भी सर्च कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। ये एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जिस पर की काफी अच्छी मात्रा में ट्रैफिक आता है। अगर इसके डीए की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मौज का एक्सटेंशन यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसका डीए देखेंगे तो आपको 80 दिखेगा और अगर इसका पीए देखेंगे आपको 57 दिखेगा। तो काफी अच्छा डीएपीए यहाँ पर इस वेबसाइट का। इसके अलावा अगर इसकी ट्रैफिक की बात करें, चलिए मैं इसका ट्रैफिक भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ग्लोबल रैंक आप देख सकते हैं, इसकी कंट्री रैंक आप देख सकते हैं, इसकी कैटेगरी रैंक ओनली 151 है। अगर यहाँ पर इसके मंथली विजिटर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6.40 मिलियन से ज्यादा यहाँ पर विजिटर हर महीने आते हैं। तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी हाई ऑथोरिटी वाली वेबसाइट है। तो यहाँ से आपको डू फॉलो बैक लिंक किस तरह से मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली आपको इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पे यहाँ पर टिक करना होगा और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पर कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है, अपना यूजर नेम सिलेक्ट करना है, पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और यहाँ से आपको आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा फिल करना है, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक मार्क लगाकर यहाँ से रजिस्टर कर देना है। चलिए मैं यहाँ से जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर लेता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद में जो भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर देंगे उस पर एक वेरिफिकेशन मेल भेजा जाएगा, तो वहां से आपको इसको वेरीफाई करना होगा। चलिए मैं अपना मेल आईडी ओपन करके इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेल आ चुका है। तो मेरे दूसरे ब्राउजर में खुला हुआ, तो यहाँ से मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ। अगर आपको इसको सेम ब्राउजर में खोलना ताकि आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, और उसके बाद में चलिए मैं यहाँ से इसको पेस्ट करके और अपने ईमेल को यहां से कंफर्म कर लेता हूं। तो चलिए हमारा ईमेल अकाउंट यहां पे कंफर्म हो चुका है। इसके बाद में आपको क्या करना होगा कि यहां पर आपको जाना होगा आपके यूजर नेम पे। यूजर नेम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे नजर आएगा एक अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन। यहां पर आप देख सकते हैं अकाउंट सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, तो यहां पर आपको अपनी पर्सनल वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। तो हमारी वेबसाइट का यूआरएल चलिए मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद में इस URL को हम यहाँ पर दे देते हैं और इसके बाद में कर देते हैं हम इसको यहाँ से, चलिए यहाँ से कोई अवतार सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ से सेव चेंज पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में चलिए फिर से अपने अपने प्रोफाइल पे चलते हैं और यहाँ से माय प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। और जैसे माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा एक यहाँ पर बैकलिंक क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर ये होम का आइकन है, इसमें बैकलिंक है। अब ये डू फॉलो है या नो फॉलो है इसकी भी जांच कर लेते हैं। तो इसके लिए चलिए मौज के एक्सटेंशन की पट्टी आपको ऊपर नजर आ रही होगी, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं सिर्फ फॉलो को। तो चलिए फॉलो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी ग्रीन हो चुका है, यानी कि ये लिंक हमारी 100% डू फॉलो बैकलिंक है। कोई भी विजिटर अगर इस पर क्लिक करता है तो यहाँ से सीधा हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ से एक पावरफुल बैकलिंक मिलती है, वो भी डू फॉलो। अब अपनी सेकंड वेबसाइट की बात करते हैं जहाँ से आपको कमेंट के थ्रू एक अच्छी बैकलिंक क्रिएट करने का मौका मिल रहा है। तो उस वेबसाइट का नाम है यहाँ पे दोस्तों bly.com। इसको भी आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा या फिर मैं आपको यहाँ पर इसका मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस पे आने के बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ मेनू बने हुए नजर आएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे मेनू बने हुए हैं। तो इसमें से आपको जो ये मेनू है यहाँ पे ब्लॉग वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉग वाला मेनू है। इस ब्लॉग वाले मेनू पे आपको यहाँ से क्लिक कर देना है और इनके ब्लॉग वाले सेक्शन को यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने काफी सारी पोस्ट आ जाती है, इनमें से आप किसी भी पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से इसी फर्स्ट वाली पोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी लोगों ने यहाँ पे कमेंट किए हुए हैं। तो यहाँ पे कमेंट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके कमेंट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कमेंट ओपन हो चुके हैं जितने लोगों ने यहाँ पे कमेंट किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसका डीएपीए आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं कि इसका डीए 50 है और यहाँ पे अगर इसके पीए की बात करें तो 41 है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर आपको किस तरह से कमेंट के थ्रू अपनी बैकलिंक क्रिएट करना है, तो चलिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, तो हमें सबसे नीचे बॉटम पे आ जाना है और यहाँ पर हमें एक फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना नेम दे देना है, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे देना है और यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। लेकिन इस यूआरएल से जो आपको बैकलिंक मिलेगी ये डू फॉलो नहीं होगी, ये नो फॉलो होगी।
डू फॉलो बैक लिंक आपको मिलेगी यहाँ पर जो आप रियल कमेंट करेंगे। तो इसको आपको किस तरह से करना है, तो मैंने एक अच्छा सा कमेंट यहाँ पे लिख रखा है, तो आप भी कोई एक अच्छा सा कमेंट पहले यहाँ पे लिख के रख ले और इसके बाद में आपको अच्छा सा कमेंट यहाँ पे दे देना है। इसके बाद में अब आपको बैकलिंक किस तरह से देनी है, तो बैकलिंक के लिए आप अपने किसी आर्टिकल का यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं और टाइटल देने के बाद उसमें आपको लिंक ऐड करना है। तो इस लिंक को आपको अपने टेस्ट में किस तरह से ऐड करना है, तो उसके लिए आपको एंकर टेस्ट का यूज करना होगा। तो आप डायरेक्ट एंकर टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, तो या फिर एक वेबसाइट आप उसका भी यूज कर सकते हैं। वो वेबसाइट ये है, मैं आपको बता देता हूँ, ये है bird2html.net। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपनी उस पोस्ट का यहाँ से जितना आपको टाइटल देना उस टाइटल को आपको यहाँ से कॉपी करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ SEO फ्रेंडली पोस्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इसको मैं टेस्ट कर देता हूँ। चलिए प्लेन टेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद में आपको इस पूरे टेस्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको इसमें लिंक ऐड करना है। तो लिंक हमें इसी पोस्ट की कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इस लिंक एड्रेस को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसमें पेस्ट करके इसको इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे एक कोड मिल चुका है। तो इस कोड में से आपको क्या करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका जो पी वाला सेक्शन है इसको हटा देना है और शुरू से भी आपको पी वाले सेक्शन को हटा देना है। बस हमें यहाँ से ए से लेकर ए तक की ये हमारा एंकर टेक्स्ट है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको इसी वेबसाइट पर आकर और इसको यहाँ से आपको कमेंट कर देना है और इसके बाद में आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट कमेंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना, तो आपका कमेंट यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारा कमेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है और ये हमारा एंकर टेस्ट के थ्रू जो हमने बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कमेंट नजर आ रहा है, नीचे एसईओ फ्रेंडली पोस्ट नजर आ रही है। तो कल उसे रिलेटेड कोई पोस्ट रीड करनी होगी तो वो इस पर क्लिक करेगा और वो सीधा मेरी उसी पोस्ट पर आ जाएगा। तो मेरी उस पोस्ट के लिए यहाँ पर मैंने एक डूफॉलो बैकलिंक क्रिएट कर लिया है। अब ये डूफॉलो बैकलिंक है या नहीं इसकी भी हम जांच कर लेते हैं। तो इसके लिए चलिए फिर से हम यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पर टैप कर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से फॉलो पर क्लिक करेंगे, तो फॉलो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी यहाँ पे ग्रीन हो चुकी है सारी डूफॉलो है। तो ये हमने जो बैकलिंक क्रिएट की है यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन हो चुकी है, तो यानी कि ये भी 100% डूफॉलो बैकलिंक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये दो वेबसाइट मैंने बताई है जिनका की डीएपी है काफी अच्छा और यहाँ से आपको 100% डूफॉलो बैकलिंक मिलने वाली है। एक वेबसाइट से आपको प्रोफाइल बैकलिंक मिल रही है और सेकंड वेबसाइट से आपको कमेंट के थ्रू बैकलिंक मिल रही है। तो दोस्तों इन दोनों वेबसाइट पर विजिट करके आप भी अपनी वेबसाइट के लिए एक डूफॉलो बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी जरूर पसंद आएगी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।